वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज द एपिसोड नंबर 3 इन द THG स्पेशल GA सीरीज फॉर द अपकमिंग LIC असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशंस व्हिच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 22nd ऑफ दिसंबर 2019। फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द हम्बल गाय। लेट्स बिगिन। First question of this episode: on which day of the year Life Insurance Corporation celebrates its foundation day? कौन से दिन को जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है वो अपना स्थापना दिवस मनाती है? क्योंकि ये LIC का ही एग्जाम है, सो कभी कभी बहुत आसान से सवाल आ जाते हैं, तो उन्हें भी हम छोड़ नहीं सकते, उन्हें भी एक बार देखना जरूरी है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है, दैट इज ऑप्शन P, 1st of September। Next question is, name the committee which was formed in the year 1993 by the government to propose recommendations for reforms in the insurance sector. जो insurance sector में सुधार के लिए कमिटी बनाई थी केंद्रीय सरकार ने 1993 में, उस कमिटी का नाम क्या था? तो the name of that committee, option C, R.N. Malhotra committee। R.N. Malhotra कौन थे? He was a former governor of Reserve Bank of India। ठीक है, Reserve Bank of India के भूतपूर्व गवर्नर थे वो। अगला सवाल है, हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI? बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए, इस एग्जामिनेशन के लिए पार्टिकुलरली। तो यहां पर जो इसका आंसर है, दैट इज ऑप्शन D, श्री सतीश चंद्र गुंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट विच प्रोवाइड्स रिस्क कवर फॉर द पॉलिसी होल्डर अलॉन्ग विद द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज नोन एज। देखिए, इंश्योरेंस हम करते क्यों हैं? इंश्योरेंस इज डन टू कवर द अनफोर्सीन रिस्क। किसी के जिंदगी में आगे क्या होगा उसे, उन्हें पता नहीं है, तो उस रिस्क को, उस इवेंचुअलिटीज को, ठीक है, जो पता नहीं, उसे कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस करते हैं। यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस में बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं। तो एक ऐसा प्रोडक्ट इन विच रिस्क तो हर इंश्योरेंस में कवर होगा, हर लाइफ इंश्योरेंस में, यहाँ पर वो रिस्क के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। ऑप्शन C है इसका आंसर, यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। कभी कभी यूलिप का वो फुल फॉर्म भी पूछते हैं या L का मतलब पूछते हैं, तो यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान जरूर आप याद रखिएगा। विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज सेलिब्रेटेड 100 ईयर्स ऑफ इट्स फाउंडेशन ऑन 23rd July 2019? लाइफ इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट की, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, वो है LIC, ठीक है, ये आपको पता है। और जो जनरल इंश्योरेंस की पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, उसमें NIACL आता है, फिर OICL आता है, ओरिएंटल, फिर नेशनल इंडिया आता है और यूनाइटेड इंडिया आता है, ये 4 हैं। तो इसमें से जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। तो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 23rd of July 1919। तो इस साल 23 जुलाई को दे हैव कंप्लीटेड 100 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A। The headquarters of National Insurance Company Limited is located at, ठीक है, तो ये भी एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और इसका जो हेडक्वार्टर वो है ऑप्शन C, कोलकाता में। पिछला जो हमने न्यू इंडिया देखा उसका मुंबई में, इसका कोलकाता में। An agent who sells policies, देखिए एजेंट कौन है? एक एजेंट जो है वो है जो कंपनी की पॉलिसी सेल करते हैं, ठीक है। होता क्या है कि जैसे इट्स वेरी ट्रबलसम कि कंपनी के स्टाफ जाके बाहर वो सेल करे पॉलिसी, तो उन्होंने एजेंट्स रिक्रूट कर रखे हैं। तो ये एजेंट जो है, यहाँ पर सवाल ये है कि सिर्फ एक कंपनी, जैसे मान लीजिए हम सुनते होंगे या आप भी अपने पास पड़ोस में सुनते होंगे कि हाँ ये जो है वो LIC एजेंट है, तो मीन्स ही इज डीलिंग इन ओनली द पॉलिसीज ऑफ अ पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं जो इंश्योरेंस एजेंट हैं, मतलब वो न्यू इंडिया का भी दे रहे हैं, ओरिएंटल का भी दे रहे हैं, प्राइवेट में भी दे रहे हैं, HDFC एर्गो का या किसी का, लाइफ इंश्योरेंस भी दे रहे हैं। तो यहां पर जो सवाल है इसका आंसर है D, कैप्टिव एजेंट। इफ यू आर सेलिंग पॉलिसीज ऑफ ओनली वन कंपनी एंड मोर देन वन कंपनी, लेट इट बी 2 or 10 or 100, दे आर नोन एज इंडिपेंडेंट एजेंट, याद रखिएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ओनली यू आर सेलिंग पॉलिसीज ऑफ अ पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी। इसके बाद, द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल टू असेस द मेरिट्स ऑफ ईच रिस्क एंड डिसाइड अ सूटेबल प्रीमियम फॉर एक्सेप्टिंग होल अ पार्ट ऑफ द रिस्क। तो ये जो है वो रिस्क जो भी है उसका मेरिट देखते हैं कि कितना रिस्क है, क्या रिस्क है। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना प्रीमियम ज्यादा होगा, ठीक है, ये तो एक कॉमन सी बात है। तो ये सब जो डिसीजन है उन्हें क्या कहा जाता है? तो पहले आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन D, अंडरराइटर, ठीक है। ये टेक्निकल टीम ने ये कि अंडरटेकर क्यों दे दिया, ये तो WWF वाला शायद, ठीक है।
ऑप्शन डी इसका आंसर है। अंडर जब आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा तब आप देखिएगा जो मेन काम है असिस्टेंट का वो अंडर राइटिंग ही है, ठीक है। अंडर राइटिंग आपको एजेंट ने सारा कुछ लेके दे दिया प्रपोजल वगैरह, उसको देख के आपको अपने सिस्टम में ये अंडर राइटिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दैट इज PMFBY द प्रीमियम पेड बाय द फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप्स विल बी, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीमा योजना है इसलिए इस इंश्योरेंस एग्जाम के मद्देनजर यहां पर इसका जो सही जवाब है वो है 2%, ठीक है, द राइट आंसर इज 2%। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल में देख लेते हैं, जो खरीफ है ये तो हो गया 2%, ठीक है, रेस्ट ऑल विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट, और राबी का 1.5%, ठीक है, देयर आर टू सीजंस मेनली राबी एंड खरीफ, एंड अदर हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स है या कमर्शियल क्रॉप्स है उसके लिए जो प्रीमियम है वो है 5%, ठीक है, खरीफ 2%, राबी 1.5% एंड हॉर्टिकल्चर एंड कमर्शियल क्रॉप 5%, दिस हैज टू बी बोर्न बाय द फार्मर्स। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी एज ग्रुप फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, जितने भी बीमा वाले स्कीम है गवर्नमेंट के वो जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये क्या है, आपको पर एनम 12 रुपीज का यहाँ पर आपको देना पड़ता है प्रीमियम, और इसकी जो एज ग्रुप है मतलब कोई भी व्यक्ति 18 से 70 साल की एज ग्रुप में इसे ले सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनुअल प्रीमियम 12 रुपए। विच वॉज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू स्टार्ट इट्स इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहां पर अगर क्वेश्चन में आता है कि विच वॉज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इट इज नॉट मेंशन इंडियन और फॉरेन, तो यहां पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। बट इफ द क्वेश्चन इज विच वॉज द फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, देन उसका जो आंसर हो जाएगा डेट विल बी बी, ऑप्शन बी। और जो फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वो 1818 में खुली थी, एंड फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वो आई थी 1870 में। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। IRDAI Act was passed by Government of India in which year? ये वाला जो सवाल है इसमें भी काफी डाउट्स रहते हैं। यहाँ पर अगर एक्ट पूछा जाता है, एक्ट कब पास हुआ था पार्लियामेंट से IRDAI, तो इसमें आपका जवाब होगा 1999, ऑप्शन बी। और इसी से एक मिलता जुलता सवाल देख लेते हैं। The IRDAI was incorporated as a statutory body, यहाँ पर ध्यान दीजिए पिछले क्वेश्चन में वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्ट किस साल पास हुआ था, एंड इन दिस क्वेश्चन वी आर टॉकिंग दैट इन विच ईयर द IRDAI वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। यहां पर इसका जो जवाब है वो हो जाएगा 19 अप्रैल 2000 को ये इनकॉर्पोरेट हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड OICL इज लोकेटेड एट, इसका है दिल्ली में, ठीक है। तो देखिए तीनों हमने देख लिए, न्यू इंडिया मुंबई, यूनाइटेड इंडिया चेन्नई, ओरिएंटल इंडिया दिल्ली, एंड नेशनल इंडिया कोलकाता, ठीक। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा न्यू इंडिया नेशनल इंडिया में, न्यू इंडिया एश्योरेंस है और नेशनल इंडिया इंश्योरेंस, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज फर्स्ट कलेक्टिव इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन, ये बिल्कुल करंट का सवाल है और एक दो एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। तो इसका जो थीम है वो है सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, दैट इज ऑप्शन सी। Dash provides the insured parties with options such as additional coverage or they may even limit or restrict coverage. तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा सवाल है, इसका जो सही जवाब है वो rider होगा, ठीक है। मान लीजिए एक policy है, ठीक है, and it has some terms and conditions. आपको पता है कोई भी policies के कोई भी documents के terms conditions होते हैं। अब ये policy आपने ले ली लेकिन कुछ extra premium पे या जो भी है उसमें आपको एक rider दिया जाएगा, मतलब all the terms and conditions of the policies are valid बट एडिशनली दिस राइडर विल कम, ठीक है। सपोज यहाँ पर यह दिया हुआ है कि 50 साल के बाद आपका इंश्योरेंस नहीं होगा, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, बट यहाँ पर राइडर ये दे दिया कि अगर आप 45 के बाद कराते हैं इंश्योरेंस तो आपका 55 तक होगा, ठीक है। तो टर्म कंडीशन में तो 50 साल, लेकिन यहाँ पर राइडर ये दिया कि जो इंश्योरेंस करा रहे हैं इफ इज मोर देन 45 ईयर्स ऑफ एज देन उनके लिए 5 ईयर एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये राइडर जो कभी कभी जो फैसिलिटी एक्सटेंड भी करती है, कभी कभी रिस्ट्रिक्ट भी करती है, और वैसे ही उसका प्रीमियम भी घटता बढ़ता है। तो राइडर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। इसके बाद द हेडक्वार्टर्स ऑफ बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज लोकेटेड इन, जो जनरल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर्स तो हमने देख लिए, प्राइवेट के भी कुछ देख लीजिएगा। जैसे फर्स्ट वीडियो में एक्साइड का पूछा था तो वो शायद बैंगलोर है, उसके बाद HDFC ERGO मुंबई है, और यहाँ बिरला सन लाइफ जो है ये भी मुंबई है, ठीक है। तो यहाँ इसका जवाब हो जाएगा बी, मुंबई। इसके बाद द नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी इज लोकेटेड इन,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लीजिएगा। जनरली लोग दिल्ली लिख देते हैं, मुंबई लिख देते हैं, लेकिन अगर आप पुणे से मुंबई की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल हाईवे पे, जो पुणे मुंबई हाईवे है वहां पर ये स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे, ठीक है, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ सवाल के एक वीडियो बनाइए, तो एपिसोड 3 में हमने मेनली देखे इंश्योरेंस से जुड़े हुए सवाल। एपिसोड 1 और 2 जिन्होंने देख लिया है ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक हम जरूर दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। जो आने वाला एग्जाम है LIC के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमने एपिसोड 1 और 2 में डाले हैं। आपके कुछ सुझाव हो तो बिल्कुल आमंत्रित है कमेंट सेक्शन में, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी झिझक के आप उसे रख सकते हैं। आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा? अगर यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो। इसी उम्मीद के साथ कि जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 4 में, समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए मुझे इजाजत। आप रखिए अपना, अपने परिवार, अपने देश का बहुत सारा ख्याल। ठंड बढ़ रही है, ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार, गुड बाय एंड जय हिंद।